नमस्कार दोस्तों, ओरल सब म्यूकोज़ा फाइब्रोसिस। दोस्तों, जब हम गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं या सुपारी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारा मुंह जो है वो प्रॉपर तरीके से खुलता नहीं है, अच्छे से खुलता नहीं है। दोस्तों, इसी को ओरल सब म्यूकोज़ा फाइब्रोसिस बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हमें कट जाता है, छिल जाता है या कहीं पर लग जाता है तो उसके बाद हीलिंग प्रोसेस चालू होती है और फाइबर टिश्यू आके उसको हील करते हैं और वहाँ पर एक स्कार बन जाता है, एक घाव का निशान बन जाता है। दोस्तों, जब हम गुटखा खाते हैं या हम सुपारी बार बार खाते हैं, हर दिन लगभग 10 से 12 बार खाते हैं या कम भी खाते हैं, तो सुपारी चबाने के कारण और गुटखा चबाने के कारण हमारे मुंह में हमारे जो चिक्स हैं वहाँ पर घाव बनता रहता है और घाव हमेशा हील होता रहता है और वहाँ पर फाइबर टिश्यू जमते रहते हैं। और जब फाइबर टिश्यू नॉर्मल से ज़्यादा जम जाते हैं और बहुत ज़्यादा जम जाते हैं तो मुंह खुलना बंद हो जाता है और इसी कंडीशन को हम ओरल फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसके कारण आपका मुंह जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुलता है। और जब आप उंगली डालते हैं मुंह में तो एक उंगली या दो उंगली जाती है। और कभी कभी मेरे यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं। दोस्तों, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस प्री कैंसरस कंडीशन भी है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप गुटखा खाते हैं और आपको फाइब्रोसिस हो गया है तो हो सकता है कि आपको 5 से 10 साल के अंदर कैंसर भी हो जाए। तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपको फाइब्रोसिस होती है और आप गुटखा खाते हैं तो तुरंत गुटखा खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका यही सबसे बढ़िया समाधान होता है। गुटखा खाना, सुपारी खाना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके कॉजेस, कारण, उसके बाद मैं आपको इसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए अगर आप ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रसित हैं। कॉजेस के बारे में आप सभी जानते हैं, अगर आप लंबे समय तक गुटखा खाते हैं या सुपारी का सेवन करते हैं तो आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है। लगभग मान के चलिए कि अगर 100 लोग गुटखा खाते हैं तो लगभग 90 लोगों को फाइब्रोसिस हो जाती है, किसी को कम, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी का बिल्कुल भी मुंह नहीं खुलता। दोस्तों, कुछ और छोटे कॉजेज़ हैं जैसे इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेज, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको ये फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम है या विटामिन बी की मात्रा कम है तो फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थे कॉजेस, कारण, अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो मुँह के अंदर एक चमड़े नुमा एक स्ट्रक्चर चिपक गया हो और मुँह को खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो जब आप छुएंगे अंदर तो आपको एक मोटी सी लेयर महसूस होगी, एक चमड़े जैसी लेयर महसूस होगी। धीरे धीरे वो लेयर कड़ी होती जाएगी और आपका मुंह जो है वो खुलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जो ये फाइब्रोसिस होती है वो पीछे से चालू होती है और आगे की तरफ आती है। मान लीजिए ये मेरा मुंह है तो अगर मुझे फाइब्रोसिस होगी तो यहाँ से चालू होगी और ऐसे आएगी, मतलब यहाँ से चालू होगी और ऐसे आएगी। जब आप मुंह के अंदर देखेंगे तो आपको कालापन दिखेगा, मतलब पिगमेंटेशन दिख सकता है जहाँ पर फाइब्रोसिस हुई है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको खाने में दिक्कत हो सकती है, खाने में आप चबा नहीं सकते प्रॉपर तरीके से क्योंकि मुंह प्रॉपर तरीके से नहीं खुलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मुंह बंद हो गया, मतलब एक उंगली ही जा रही है, तो आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जब आप तीखा खाएंगे या हल्का तीखा भी खाएंगे तो तीखा आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, ये थे लक्षण, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की तरफ कि इसके लिए कौन कौन सी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओरल फाइब्रोसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मेरे क्लिनिक में भी शुरुआत से ही ओरल फाइब्रोसिस के पेशेंट आते थे और मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कि बहुत फ़ायदेमंद है ओरल फाइब्रोसिस में। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर का उपयोग करना है। पहली होम्योपैथिक मदर टिंचर का नाम है कुरकुमा लौंगा या करकुमा लौंगा। दोस्तों, करकुमा लौंगा मदर टिंचर मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, आपने हल्दी के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा और हल्दी है, ये हल्दी से बनी हुई मदर टिंचर है। दोस्तों, हल्दी 2 तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है,
फाइब्रोसिस के लिए। पहला, ये हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है और फाइब्रस जो फाइबर जम गया है उसको ये पूरी तरीके से ठीक कर देती है। दूसरा, ये एंटी कैंसरस भी होती है, तो कैंसर नहीं होने देती और फाइब्रोसिस को भी ठीक करती है। तो दो तरह से ये फ़ायदा करती है, एंटी कैंसरस और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है। दोस्तों, इससे आपको कुल्ला करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगा। दूसरी मेडिसिन है ऑसिमम सेंग। दोस्तों, ऑसिमम सेंग मदर टिंचर, दोस्तों तुलसी फाइब्रोसिस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है और हीलिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ाती है, जिससे आपका मुंह तेज़ी से खुलना चालू हो जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों मदर टिंचर का उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 30-30 ml में ये मदर टिंचर ले लीजिएगा और WSI की ही ये मदर टिंचर लीजिएगा। दोनों मदर टिंचर को आपने ले लिया, खरीद लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों मदर टिंचर को मिला लेना है। तो खाली सी शीशी ले लीजिएगा और दोनों मदर टिंचर को मिला लीजिएगा। उसके बाद लगभग 10 ml पानी लीजिएगा, उसमें 20 से 25 बूंद मदर टिंचर मिला के आपको कुल्ला करना है दिन में 3 से 4 बार। तो इसको कुल्ला करना है दिन में 3 से 4 बार। मदर टिंचर को 20 से 25 बूंद आपको लगभग 1/4 कप ऑफ वाटर पानी में डालना है। एक बार सुबह कुल्ला करना है, एक बार दोपहर में कुल्ला करना है, एक बार शाम को कुल्ला करना है और एक बार रात को कुल्ला करना है। अगर आप इसको लगातार 6 महीने तक कुल्ला करते हैं तो धीरे धीरे फाइब्रोसिस आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम, और कॉस्टिकम को 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है फाइब्रोसिस के लिए। तो मैं अभी अभी लगभग 6-7 महीने से फाइब्रोसिस के पेशेंट को कॉस्टिकम देना चालू किया हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। तो फाइब्रोसिस को बहुत जल्दी ये ठीक करती है और हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ा देती है। मैंने रिपर्टरी में भी देखा है कि फाइब्रोसिस के लिए कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और वहाँ से ही देख के मैं अपने पेशेंट्स को देना चालू किया हूँ। तो फाइब्रोसिस में कॉस्टिकम का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। फाइब्रस जो सेल्स होते हैं उसको फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉस्टिकम। दोस्तों कॉस्टिकम 200 आपको 2 बूंद सुबह पीना है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में कॉस्टिकम 200 है, 2 बूंद सुबह आपको डायरेक्टली टंग में पीना है। एक रात में नक्स वोमिका 200 ज़रूर यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, नक्स वोमिका पेट की समस्या के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और कभी कभी आपको बार बार छाले होने के कारण फाइब्रोसिस भी होती है। तो अगर आपको बार बार छाले होने के कारण फाइब्रोसिस होती है या आपको गुटखा खाने के कारण फाइब्रोसिस होती है, गुटखे की लत लगी हुई है, तो नक्स वोमिका से लत भी ठीक हो जाएगी। और जो आप गुटखा खाते हैं तो गैस तो बनती होगी, तो उसमें भी आराम लगेगा और फाइब्रोसिस में भी आराम लगेगा। तो नक्स वोमिका 200 2 बूंद आपको रात में पीना है डायरेक्टली वही टंग में। लास्ट में आपको कैल्केरिया फ्लोर यूज़ करना है। दोस्तों, कैल्केरिया फ्लोर बायोकेमिक मेडिसिन है और आप सभी जानते हैं कि ये ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर कहीं भी एबनॉर्मल सेल डेवलप हो जाते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा या उसके अलावा कोई सेल डेवलप हो जाते हैं, और फाइब्रोसिस के केस में फाइबर सेल ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण हमें फाइब्रोसिस हो जाती है, तो कैल्केरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और 6x पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली रात को आपको चूसना है। तो 6 गोली सुबह चूसना है, 6 गोली दोपहर में चूसना है और 6 गोली रात में चूसना है। दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये फाइब्रोसिस के लिए। दोस्तों, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, लास्ट में मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ कि मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को क्या देता हूँ। तो मैं फाइब्रोसिस कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑसिमम सेंग मदर टिंचर और कुरकुमा लौंगा मदर टिंचर मिली हुई है बराबर मात्रा में, वो आप 20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार कुल्ला कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन को आप पी भी सकते हैं। अगर फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है तो इस मेडिसिन को आप 3-4 बार कुल्ला करिए और 1-2 बार आप 20 बूंद थोड़े से पानी में, वही 1/4 कप पानी में डाल के पी भी सकते हैं। इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे भी हल्दी हमेशा हम खाते ही हैं और तुलसी भी हम खाते ही हैं, तो कोई भी किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में आपको कॉस्टिकम 200 2 बूंद सुबह यूज़ करना है, नक्स वोमिका 200 2 बूंद रात को यूज़ करना है, और कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली दिन में 3 बार यूज़ करना है। ये मेडिसिन लगातार आपको 3 से 6 महीने तक यूज़ करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लगभग 100 में से 70 से 75% पेशेंट
को काफ़ी आराम लगता है अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं और गुटखा खाना बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो आप गुटखा खाना बंद करिएगा, और अगर आप सुपारी चबाते हैं तो वो बंद कर दीजिएगा, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो बंद कर दीजिएगा। अगर वो बंद नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो उसको बंद कर देते हैं और ये मेडिसिन 6 महीने तक लेते हैं तो पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। आपका मुंह अच्छे से खुलने लगेगा, आपके दांत भी सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि गुटखा आप छोड़ देंगे तो दांत धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आपकी स्माइल भी अच्छी हो जाएगी, खाने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको आगे चल के कैंसर भी नहीं होगा। तो गुटखा छोड़ दीजिए और बाकी ये मेडिसिन आप यूज़ करिए, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे इस कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।